हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम द हिंदू का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लेके आए हैं। न्यूज में बना हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। इसको हम आज बहुत ही ब्रीफली देखने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं कि ये क्या होता है। दोस्तों देखिए, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि स्कीम जो है वो क्या है। देखिए यहाँ पर आज का न्यूज में दोस्तों, जस्ट 9.3% ऑफ लोन्स अंडर पीएम स्वनिधि गिव हैंड टू वेंडर्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। देखिए दोस्तों, ये चीज होता क्या है, तो कोविड 19 के बाद क्या होता है, सबका स्थिति गड़बड़ा जाता है, सभी का फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ा जाता है। खास करके हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज का बात करें, जो वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स है, उसका बात करें, तो उसके लिए क्या किए, ये जो हमारे गवर्नमेंट है वो एक स्कीम लेकर क्या है, क्या लेकर आए, एक स्कीम लेकर क्या है, स्वनिधि स्कीम। क्या लेकर के आते हैं, स्वनिधि स्कीम आते हैं। उसमें ये बातें कह जाएगी, जितने भी अर्बन एरिया में रहने वाले हैं, सभी को क्या किए जाएंगे, सभी क्या किए जाएंगे, एक छोटी सी लोन दी जाएगी जिससे वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम को ठीक कर ले। तो यही सारे बातें इसमें कही गई है, तो उसी को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या है। इसमें टोटली कुछ नहीं कहा गया दोस्तों, वही पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में पढ़ना है कि पीएम स्वनिधि स्कीम होता क्या है, तो आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि पीएम स्वनिधि होता क्या है, अबाउट पीएम स्वनिधि। तो पीएम स्वनिधि क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। देखिए दोस्तों, इसको जो लॉन्च किया था, स्वनिधि स्कीम को जो लॉन्च किया था, वो किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, इन्होंने क्या किया, इसको लॉन्च किया। देखिए दोस्तों, यदि हम एक चीज की बात करें, यदि हम यहाँ पर रूरल एरिया का बात करें और अर्बन का बात करें, रूरल एरिया का बात करें या अर्बन का बात करें, तो रूरल एरिया में यह है दोस्तों कि वहां पर मनरेगा है, मनरेगा है एक नेशनल लेवल पे जो इनकम का सोर्स है, जहां पर लोग को रोजगार मिल जाते हैं, वहां पर एक मनरेगा है। लेकिन यदि हम अर्बन वाला एरिया में बात करें, अर्बन वाला एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीजों के कभी से भी मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। यदि नेशनल लेवल पर बात करें तो रूरल एरिया में जैसे मनरेगा है, उसी तरह से अर्बन वाला एरिया में, अर्बन वाले रीजन में अभी ये चीजें नहीं है। तो इस चीजें की मांगे चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ दिन गए। तो ये हाउसिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन की तरफ से एक स्कीम लॉन्च किया गया, जिसका नाम है क्या, स्वनिधि, स्वनिधि पीएम स्वनिधि स्कीम। उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं अफेयर्स इन जून 2020। इसको देख ही सकते हैं कब लाया गया, 2020 में लाया गया था इस स्कीम को। कोविड-19 के बाद क्या हुआ, कोविड-19 के बाद हुआ क्या, तो जितने भी सबका, वैसे कोविड-19 में, कोविड-19 का ऐसा डिजीज था जिसमें सभी का क्या हुआ, फाइनेंशियल सिस्टम गड़बड़ा गया। तो इसीलिए हमारे मिनिस्ट्री ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन ने क्या किया, एक स्कीम लेकर के आए, किसके लिए, अर्बन के लिए, अर्बन, अर्बन में रहने वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स है उसके लिए क्या है, उसके लिए लेके आए कि उसको क्या किया जाए, लोन प्रोवाइड किया जाए, क्या किया जाए, लोन प्रोवाइड किया जाए। कब लेकर के आए, 2020 में लेकर के आए। तो यही बातें यहीं पर, यहाँ पर कही गई है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स टू स्ट्रीट देयर लेवलीहुड दैट हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन। तो वही बातें यहाँ पर कही गई हैं कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा, उसमें जो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स सब है, वो सबका इकोनॉमी सिस्टम क्या हो गया, बहुत ही गड़बड़ा गया। तो इसीलिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन जो है, वो क्या किया, एक स्कीम को लॉन्च किए, जो स्कीम का नाम क्या है, पीएम स्वनिधि स्कीम है।
तो उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर जो है सो कुछ रुपए जो है सो लोन दिए जाते हैं। तो यही सारे बातें यहाँ पर कही गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कही गई है कि वेंडर्स कैन गेट कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स अप टू 10,000 व्हिच आर रिपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन टर्म ऑफ 1 ईयर। देखिए दोस्तों इसमें यह बातें कही गई है कि जो वेंडर्स हैं जिसको भी ये लोन दिए जाएंगे, जिसको भी ये 10,000 का लोन दिए जाएंगे, यदि वो मंथली पर पेमेंट कर देते हैं, मंथली जो उसका इंस्टॉलमेंट बनेंगे, जैसे मान लीजिए कि 10,000 का 10,000 रुपया लोन ले रहे हैं, तो 10,000 रुपया लोन ले रहे हैं तो इसमें इसका मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगा। मंथली इंस्टॉलमेंट जो भी बनेंगे, यदि वो टाइम पर कर, एक ईयर वन एक साल का ये बनता है, कितना का मंथली इंस्टॉलमेंट इन टर्म ऑफ 1 ईयर का, एक साल का बनता है, एंड इनहेंस्ड लोन अप टू 20,000। तो यदि ए पूरा कर देते हैं 10,000, तो फिर उसको क्या करेंगे, 20,000 भी दिए जाएंगे। क्या करे किए जाएंगे, 20,000 भी दिए जाएंगे, फिर उसको बढ़ा करके ये 50,000 तक कर सकते हैं। तो यही सारे बातें हैं कि फर्स्ट टाइम 10,000, सेकेंड टाइम 20,000, उसके बाद 50,000। तो यही सारी बातें यहाँ पर कही गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कही गई है कि इस पर जो है सो इंटरेस्ट रेट क्या है इसका, 7% पर एनम है। कि जो भी इंटरेस्ट इसको 10,000 या फिर यदि 10,000 फर्स्ट टाइम लेते हैं, उसको टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देना है, तो फिर उनको 20,000 दिए जाएंगे। फिर उसको टाइम टू टाइम पेमेंट कर देते हैं तो उसको 50,000 दिए जाएंगे। तो ये सब सारी चीजें पे ये जो लोन दे रहे हैं इस पर टोटल इंटरेस्ट रेट क्या होंगे इसका, इसका जो इंटरेस्ट रेट होंगे, इंटरेस्ट रेट होंगे 7%। कितना होंगे, 7% पर एनम है दोस्तों, 7% पर एनम हो गया। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों आज का द हिंदू का लाइन है, जस्ट 9.3% ऑफ लोन्स अंडर पीएम स्वनिधि गिवन टू वेंडर्स वेंडर्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसके लिए ये चीजें लाया गया है, उर्बैन वाले रीजन में जो भी रह रहे हैं उसके लिए है। तो यही बातें हैं दोस्तों। और यहाँ पर जैसे कि हम बात करें रूरल एरिया का बात करें, तो रूरल एरिया में एक एम्प्लॉय का एक अच्छा यदि 100 डेज का वर्क का बात करें तो वो मनरेगा में मिल जाता है। लेकिन लेकिन ये तो हो गया उर्बैन एरिया में, सॉरी रूरल एरिया में हो गया, लेकिन उर्बैन एरिया में ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। नेशनल लेवल पे यदि हम बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं, जिसकी मांगे चल रही है कि भाई मुझे भी रोजगार दो। तो यही सारे बातें कही गई हैं। तो आज का टोटल आज का इसमें यही था कि पीएम स्वनिधि स्कीम क्या होता है। तो पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है दोस्तों, एक बार रिविजन कर लेते हैं उसको। पीएम स्वनिधि स्कीम 2020 में लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड उर्बैन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। COVID-19 में जो लॉकडाउन लगे उससे जो प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स सब, जिसका जो इकोनॉमी सिस्टम चौपट हो गया, उसको कुछ हेल्प दिए जाएंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें मेन टॉपिक क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा देख लेते हैं, एक मिनट। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, इसमें मेन मेन फैक्ट क्या आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है दोस्तों ये पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम है क्या दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये उर्बैन वाले के लिए है, उर्बैन में जो रह रहे हैं, उर्बैन वाले रीजन में जो रह रहे हैं उसके लिए है। जो स्ट्रीट वेंडर्स है, क्या है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, लॉकडाउन की वजह से उसका फाइनेंशियल सिस्टम वीक हो गया, जिसको ठीक करने के लिए या अपना जो जीवन यापन है उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट 10,000 का लोन दे रहे हैं एट द फर्स्ट टाइम। और इसका इंस्टॉलमेंट कितना दिन तक बनेगा, टोटल 12 मंथ तक बनेगा, 1 ईयर तक बनेगा। यदि इसको आप टाइम से पेमेंट कर देते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो फिर इसको 10,000 से 20,000 कर दिया जाता है, फिर 20,000 से 50,000 कर दिया जाता है। और इन सब का इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट रेट क्या है दोस्तों, 7% है। तो ये सब सारी बातें यहाँ पर कही गई है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग पूरा अकेडमी।